संगम नगरी इलाहाबाद की देवांशी मिश्रा ने सीबीएसई परीक्षाओं में 96% अंक लाकर सफलता हासिल की है। देवांशी ने पूरे जिले में तीसरा स्थान हासिल किया है। बताया जा रहा है कि देवांशी तेंदुआ वन गांव की रहने वाली है। उसने बिना कोचिंग पढ़े ही जिले में तीसरा स्थान हासिल किया। देवांशी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया है। मैं ये श्रेय देना चाहूंगी मेरी प्रिंसिपल मैम को, मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को और अपने आप को। आगे चल के क्या बनना है? मुझे बनना है आईएएस ऑफिसर और उसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगी और सबको यही उम्मीद है कि मैं और आगे प्रोग्रेस करूं और मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और वो मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। नहीं, मैं बहुत पढ़ाई की और प्रैक्टिस भी किया, एक भी डाउट अनक्लियर नहीं रहने दिया, सब क्लियर किया टाइमली, जो भी टीचर्स ने गाइड किया उसको इंस्ट्रक्शंस मैंने फॉलो किए। और हाँ, ये उम्मीद थी मुझे कि 90%+ आ जाएगा, बट 96% ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, स्कूल में टॉप करना, और मुझे बहुत खुशी है। बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है और बेटी को भी मैंने वही सपोर्ट किया। मेरी तीनों बेटियां वही पढ़ती, बेटनी से ही मतलब क्वालिफाई की और आज देखिए उसने करके दिखा भी दिया है। तो बेटी होने से कोई ये नहीं होता कि आदमी निराश हो। बेटी भी मतलब कुल माता पिता का सपना जो भी है साकार करती हैं, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। भविष्य में भी हम सपोर्ट करेंगे। आईएएस बनना चाहती है, आईएएस के लिए आपकी तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगा? जी जी, जितना भी होगा मेरी तरफ से उतना मैं सपोर्ट करूंगा। क्या नाम? फिलहाल देवांशी का सपना है कि वो आईएएस बने ताकि वो इसके जरिए समाज की सेवा कर सके। पंजाब के सी टीवी के लिए इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।